यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो है शॉप है। लॉन्ग सेट हो गया, ठीक है मैम, इयररिंग्स हो गया, टीका इयररिंग्स भी है। ओके, सेट भी आपको अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मिल जाएगा, जिसका प्राइस यहाँ में आपको जो है बहुत सारे डिजाइन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो है शॉप है, और यहाँ पे आप रिटेलर प्राइस में भी देते हैं? हाँ सर, रिटेलर और होलसेलर दोनों प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इस तरह से आपको दोनों प्राइस में मिलने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी रहेगा उस पर जो प्राइस लिखा रहेगा उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट ही होगा, पूरा ज़्यादा का उम्मीद ना करेंगे। सर मैम है, और ये मैम जो है सारे के बारे में बताएंगे कि क्या कलेक्शन इनके पास है, और इन्हीं कलेक्शन के बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन करने। लॉन्ग सेट हो गया, अच्छा लॉन्ग सेट हो गया, ठीक है मैम, इयररिंग्स हो गया, टीका इयररिंग्स भी है, ओके, बैंगल्स भी है, ओके, 1 ग्राम गोल्ड भी मिलता है यहाँ, ओके। चलिए तो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम का गोल्ड भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये जितने भी देख रहे हैं आर्टिफिशियल है और काफी ज्यादा खूबसूरत है, और सब पे प्राइस वगैरह भी आप देखिए लिखा हुआ है। अगर आप जो है देखे तो सब पे प्राइस वगैरह भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास क्या कलेक्शन है मैम? टीका इयररिंग्स का कलेक्शन इधर, और यहाँ पे देखिए टीका इयररिंग्स का कलेक्शन आप यहाँ पे देखिए, इयररिंग्स का भी है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चलिए दुल्हन सेट भी आपको अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मिल जाएगा, जिसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये 5000 का है ना, 5000 का आपको ये मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप ये आते हैं तो ये भी आपको 5000 में ही मिलने वाला है। इसके नीचे अगर आप यहाँ पे आते हैं इसके देखते हैं तो इसके आपको 6000 में। तो अगर क्वालिटी की बात किया जाए तो क्वालिटी और डिजाइन वाइज आपका प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, दोस्तों इस तरह से देखिए आपके पास इनके पास जो है, अगर डिजाइन की बात की तो आप यहाँ पे जो है डिजाइन की कमी नहीं है, और यहाँ भी देखिए काफी मात्रा में आपको जो है बहुत सारे डिजाइन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप आते हैं चूड़ी मार्केट और इस तरह के अगर कलेक्शन लेना हो तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं इनके शॉप में। मैम आपके शॉप का नाम क्या हो गया? तो इनके शॉप का नाम मनोज बैंगल्स के नाम से है। अगर चूड़ी मार्केट में किन्हीं से भी पूछिएगा तो आप इजिली उनको आपको बता दिया जाएगा ये शॉप कौन सा है। चलिए धन्यवाद मैम।